Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Pandora. Today the topic of our discussion is Ramsar Convention. तो रामसर क्या है? रामसर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है. इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या होता है? कंट्रीज़ के जो दरमियान में इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट होता है उसको हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट कहते हैं. तो रामसर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. कंजर्वेशन क्या होता है? बचाओ. कि कोई भी चीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, तो उसके बचाव को हम कंजर्वेशन कहते हैं. रामसर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दी वेटलैंड एंड दी वाइस यूज ऑफ दी वेटलैंड. कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड का मतलब क्या है? कि वेटलैंड जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके बचाव के लिए जो काम होते हैं उसको, और उसके अलावा वाइस यूज ऑफ दी वेटलैंड के वेटलैंड का एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकें. ठीक है, तो क्या है रामसर की डेफिनेशन? क्या होगी? इंटरनेशनल एग्रीमेंट एग्रीमेंट. इंटरनेशनल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कंट्रीज़ के दरमियान में जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसको हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट कहते हैं. इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर व्हाट? फॉर कंजर्वेशन, बचाओ, प्रोटेक्शन और वाइस यूज, मतलब कि अपने बेनिफिट्स के लिए. वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स जो वर्ड है यहाँ से फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ वेटलैंड. वेटलैंड एक ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे जो सॉइल होगी वो कवर होगी वाटर के साथ, या तो पूरा साल कवर रहेगी या साल के किसी एक टाइम में जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होगी, फ्लड्स आएंगे, तो उस टाइम में जो वो सरफेस ऑफ द सॉइल है वो कवर्ड किससे रहेगी? पानी के साथ. ठीक है, तो ऐसी ऐसी ज़मीन जो पानी के साथ या तो एक साल में पूरा साल कवर रहेगी या साल के किसी हिस्से तक कवर रहती है वाटर के साथ, उसको हम कहेंगे वेटलैंड. ठीक है, तो क्या वेटलैंड? मैंने आपको वेटलैंड का भी बता दिया. आगे रामसर में क्या आता है? ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है. ठीक है ना, तो रामसर ट्रीटी. व्हाट इज मीन बाय वर्ड ट्रीटी? इट इज मीन एग्रीमेंट. तो ये एक ओनली एग्रीमेंट है जो क्या करता है, जो फोकस करता है. ओनली एग्रीमेंट, ओनली ट्रीटी दैट फोकस इज ऑन कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. इसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ रामसर एक एग्रीमेंट है जो वेटलैंड की कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है. इसके अलावा और कोई इदारा नहीं इस पर काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे. क्लियर? फिर उसके बाद क्या है? इसकी हिस्ट्री क्या है रामसर की? ठीक है, इस ट्रीटी की हिस्ट्री क्या है? इसको स्टार्ट कब किया गया? तो ये स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी 1971. कहाँ पे? एट इरानिया सिटी थी, इरानिया सिटी ऑफ रामसर, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रामसर. ओके, तो 1971 में इसको पेश कर दिया गया था, लेकिन तब ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी. कब एक्सेप्ट हुई? 21 दिसंबर 1975 में. क्लियर? उसके बाद आ गया साइंड बाय 170 कंट्रीज. 170 कंट्रीज हैं जो इस ट्रीटी के अंदर शामिल हैं. फिर फिलोसफी, इसकी फिलोसफी क्या है? इसकी फिलोसफी क्या है कि वाइस यूज ऑफ वेटलैंड. Why wise use of wetland? Because 64% of wetland has been extinct in past. मतलब कि 64% वेटलैंड पास्ट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि वाइस यूज़ किया जाए वेटलैंड का. ठीक है, तो वेटलैंड एक ऐसी ज़मीन होती है जिसमें पानी या तो पूरा साल ही मिट्टी को कवर करके रखेगा, या फिर साल के किसी कुछ महीने या कुछ टाइम के लिए वहाँ पे पानी पाया जाएगा. तो वेटलैंड और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं. सबसे पहले क्या है कि वेटलैंड जो है ये इम्प्रूव कराते हैं एयर की क्वालिटी. हाउ? बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लूटेंट्स.
जो भी एयर के अंदर प्यूटेंट्स होंगे उनको किन्होंने अब्जॉर्ब कर लेना है, वेटलैंड्स ने, जिसकी वजह से वहां पे जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, प्योर, रिजल्ट इन प्योर एयर हियर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, फूड सोर्स। वेटलैंड के अंदर काउंटलेस नंबर ऑफ फिशेज पाई जाती है और इन फिशेज के लिए काउंटलेस जो है वो फ्लोरा पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स पाए जाते हैं, फ्लोरा को प्लांट्स कहते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे काउंटलेस नंबर ऑफ दिस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फौना कहते हैं एनिमल्स को, जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, फिशीज, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो बहुत बेनिफिट वाले हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल, तो इसके अंदर स्पीशी पाए जाते हैं उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है उनको ये स्टोर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक बेनिफिट। तो कोई वेटलैंड जो बहुत ही, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरसब्ज ज़मीन हो या फिर उसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा साफ़ हो, तो गवर्नमेंट उस वेटलैंड को एक पब्लिक एरिया में चेंज कर देती है और वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, वहाँ विजिट करते हैं और वहाँ पे कैंपिंग होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ टूरिज्म एरिया, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, वेटलैंड और उसकी इम्पोर्टेंस। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि वेटलैंड को क्या क्या खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेटलैंड डिमोलिशिंग कंडीशन के, कौन कौन से खतरात हैं जो वेटलैंड को लाहक होते हैं, कौन कौन सी इकोसिस्टम में इसको थ्रेटनिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ऑनगोइंग ड्रेनेज। ऑनगोइंग ड्रेनेज क्या है कि ड्रेनिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम वेटलैंड टू एनी अदर एरिया थ्रू पाइप्स, पाइप्स के जरिए वहाँ से पानी निकाल लिया जाए, या कोई भी नेचुरल प्रोसेस जिस तरह के अवेपोरेशन है, कि अवेपोरेशन के जरिए नेचुरली वहाँ से वाटर जो है वो अवेपोरेट कर जाए और वहाँ पे मौजूद जो फ्लोरा और फौना की स्पीशीज़ है वो पानी की कमी की वजह से मर जाए, ठीक है। और द सेकंड वन इज़ ऑनगोइंग कन्वर्जन। ऑनगोइंग कन्वर्जन, जिस तरह के कन्वर्जन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, तो ऑनगोइंग कन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि वेटलैंड को कन्वर्ट कर दिया जाए, किसी भी जो सोशल एरिया के अंदर कन्वर्ट इसको कर दिया जाए कि लोग वहाँ पे आएँ, कैंपिंग करें और वहाँ पे रहें, या फिर अपनी इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे जो है विजिट करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि वहाँ पे मौजूद जो फ्लोरा और फौना की स्पीशीज डिस्टर्ब होंगी, किस तरह कि वहाँ पे एक तो शोर होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगी, और उसके अलावा जो वहाँ पे जिस तरह के कोई लोग हैं वो अपनी चीज़ें खाने वाले लेके आएंगे, वहाँ पे रैपर्स वगैरह फेंकेंगे, तो पोल्यूशन कॉज होगी। एंड द थर्ड वन इज एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब कि कोई वेटलैंड है वहाँ पे एक जो है वो फिश है उसकी कोई बेहतर जो है स्पीशी पाई जाती है, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होगा, ओवर एक्सप्लोटेशन जो उसकी होगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो वो स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी और जो उसका फौना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। दैन लास्ट वन इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देना वेटलैंड के करीब, या फिर कोई भी जिस तरह होती है इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर देना, तो वहाँ से आने वाला जो पोल्यूशन है वो वेटलैंड को बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है। तो रामसर कन्वेंशन क्या था, इन सारे पॉइंट्स पर गौर करना और इसको इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, कि ताकि जो वेटलैंड है, जो 64% वेटलैंड है जो दुनिया में गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ की जो फ्लोरा और फौना की जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या फिर उनमें कमी आ चुकी है, वो नियर इंडेंजरमेंट है, ठीक है, इंडेंजर्ड हो रही हैं। तो क्या होगा, या तो फिर ये नियर एक्सटिंक्शन है या फिर इंडेंजर्ड है। तो इसके लिए जो रामसर कन्वेंशन है उसने कहा था कि वाइस यूज़ अगर किया जाए वेटलैंड का, और इसकी कंजर्वेशन जो इनके अंदर स्पीशी है उसकी कंजर्वेशन की जाए, ताकि वेटलैंड जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो रहे दुनिया से। सो हाई आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।